क्या एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया अपने गर्लफ्रेंड की तस्वीर। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। एल्विशा फैंस, तो मैं एक बात मानता हूँ कि भाई एल्विशा फैंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमारे जैसे अगर आपके साथ हैं तो आपको पॉजिटिव होना भी चाहिए। हम आपको कभी भी, मैंने आपको हर बार कहा है कि देखो मेरी तरफ से आप 100% श्योर रहना, जो भी बात होगी ना मैं आपको दिल से बता दूंगा, आपको गलतफहमी में मैं कभी भी नहीं रखूँगा। चाहे वो एल्विश यादव हो या फिर कटारिया हो या फिर मनीषा की तरफ से, हम आपको कभी भी गलत फहमी में नहीं रखेंगे, मार्क माय वर्ड। एल्विश यादव को लेकर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि ये जो स्टोरी थी वो एल्विश की मनीषा के लिए थी, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं हैं। वैसे अब मैं आपको बताऊँगा, कुछ प्रूफ भी दिखाऊँगा कि कैसे एल्विश जो है वो आपके दिमाग से गेम खेल रहा है। देखो एल्विशा फैंस जो है ना वो ऑलमोस्ट बिग बॉस से एल्विश को फॉलो कर रहे हैं। मैं जब सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि दिन भर एक ही बातें चल रही हैं, आखिर कौन थी वो लड़की, किसका पोस्ट किया था एल्विश ने। भाई मैं कितने बार बोलूँ, बता चुका हूँ आपको कि वो मनीषा रानी थी। मनीषा रानी को लेकर अलग अलग तरीके से गेम खेला जा रहा है। एल्विश यादव हर बार मनीषा से दिल से प्यार तो करते हैं लेकिन वो एल्विशा फैंस से लुक्का छिप्पी का गेम खेल रहे हैं। अब आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो ये बिग बॉस का फ़ोटो है, बिग बॉस में जब बूट पॉलिश हो रहा था, ये उस वक्त का पिक है। इस तरीके के मनीषा के बहुत सारे पिक है। ये वाली पिक को ना एल्विश ने पोस्ट किया है लेकिन इस तरीके क्रॉप करके पोस्ट किया है कि आप कभी भी पकड़ ही नहीं पाओगे। ये मनीषा रानी ही है, ना ही कीर्ति है, ना ही कोई और है। मैंने कई बार आपको कहा है कि एल्विश यादव सिंगल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकाजम में अपने फैंस को इसी तरह से कंफ्यूज करता रहता है। जो लोग एल्विश को पहले से जानते हैं ना उनको पता है कि एल्विश बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है अपने फैंस को। वो वही बातें उसके सामने होगी लेकिन वो गोल गोल घुमा के कहेगा। अब जो लोग एल्विश को दिल से प्यार करते हैं वो शायद अब इस बात को समझ भी पाएंगे। इन द नियर फ्यूचर बहुत सारे राज खुलेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि देखो वेट कीजिए। और रही बात एल्विश की, तो भाई अगर एल्विश भी 3-5 करेगा ना तो आप टेंशन मत लेना, हम बैठे हैं, मैं एल्विशा फैंस के साथ हमेशा ही रहेंगे। एल्विश यादव की गलती में कभी भी हम उसका साथ नहीं देंगे। अगर वो गलत करेगा तो उसकी भी टांग खिंचाई करी जाएगी। और आप एल्विश की बातों से ये मत समझिए कि एल्विश जो बोल रहा है वो नहीं है, जो वो नहीं बोल रहा है वही है। कई बार एल्विश को देखा गया है ये करते हुए, जो वो नहीं बोलता है वही करता है, जो वो बोलता है वो बिल्कुल भी नहीं करता है। वो एल्विश यादव का दूसरा नाम ही कन्फ्यूज़न है। एल्विश यादव अपने फैंस को कन्फ्यूज्ड करता है कई बार। और जो लोग एल्विश को 2016-17 से जानते हैं ना वो इस बात को समझ सकते हैं। और कौन सी कीर्ति की बात कर रहे हो यार, मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें एक्सपोज करूँगा, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ भाई, कीर्ति का चैप्टर क्लोज हो चुका है। कितने बार कहूँ, मैंने आपको श्योरिटी के साथ कहा है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। 2021 के बाद अब पहली बार राव साहब रोमांटिक हो रहे हैं, आपको पता है ये बात। आप बिग बॉस से देख रहे हो इसलिए आप ये बात को नहीं समझ पा रहे हो। राव साहब जितना रोमांटिक अभी हो रहे हैं ना, इतना रोमांटिक राव साहब को पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ये मनीषा की फीलिंग ही है। और मनीषा की फीलिंग पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, तो देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, कहीं ना कहीं एल्विश यादव ने मनीषा को भी कन्फ्यूज्ड कर रखा था। बाकी वो लड़की तो बिल्कुल प्योर हार्टेड है, मनीषा का प्यार हमेशा एल्विश के साथ है। अभिषेक के साथ वो बहुत अच्छी दोस्ती है, अभिषेक के साथ मनीषा की बहुत अच्छी दोस्ती है वो, और हमेशा भी रहेगी। लेकिन जो प्यार की बात है ना वो सिर्फ और सिर्फ एल्विश के साथ ही है। अब आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन। और एल्विशा फैन बी मोटिवेटेड रहिए, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है गुड न्यूज़। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।